बात करते हैं कोरोना के लिए आए वैक्सीन की। कोरोना काल से जहां लोग काफी डरे हुए हैं, तो वहीं अब वैक्सीन आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इसमें भी लोगों को आशंका हो रही है, क्या वैक्सीन लगवाना सेफ है? तो वहीं मार्केट में कई ऐसी अफवाहें भी फैल रही है जिससे लोग वैक्सीन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं ये भी विचार कर रहे हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल आजकल सबके मन में है, तो इसी चीज का सॉल्यूशन लेकर BFN न्यूज आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर के आया है। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि वैक्सीन कितने प्रकार की है। वैसे हम इन वैक्सीन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन है। अब बताते हैं आपको ये कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज अ किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉजेज अ डिजीज, या फिर एक वायरस को लैब में उगाया जाता है। उस वायरस को लैब में केमिकल से ट्रीट किया जाता है जिससे वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है, जिससे वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहता। तो इस वायरस को हमारे लिए वैक्सीन की तरह उसके बाद ट्रीट किया जाता है। कोवैक्सीन के काम करने का तरीका भी यही है। इस बार ही नहीं, इससे पहले भी कई बीमारियों को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को दिया जा चुका है। उन बीमारियों के नाम की अगर बात करें तो उसमें हेपेटाइटिस सी, फ्लू, पोलियो और रेबीज जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन बीमारियों में भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को ही दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, आमतौर पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। इसके लिए आपको इसकी डोज 2 या 3 बार जरूरी होती है लेनी। तो वहीं आपको बता दें, समय के साथ कई खुराक लेनी आवश्यक होती है ताकि बीमारियों के खिलाफ निरंतर सुरक्षा प्राप्त की जा सके। इसीलिए इस डोज को कोरोना काल में 2 बार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन की, जो हमारी कोविशील्ड और रूस की स्पुटनिक है। दोनों वैक्सीन ही इसी कैटेगरी में आती हैं। इसमें होता क्या है, कोविशील्ड का एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। कोविशील्ड में एक चिंपैंजी एडिनो वायरस लिया जा रहा है। एडिनो वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस का नाम है। एक चिंपैंजी वायरस को लेकर उसका जेनेटिक कोड हटा दिया जाता है। जेनेटिक कोड हटाकर SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड डाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे SARS-CoV-2 क्या है, ये वही वायरस है जो कोरोना वायरस में मिला है। चिंपैंजी वायरस जिसके अंदर जेनेटिक कोड है, उसके अंदर SARS-CoV-2 को डाला जाता है। उसके बाद ये हमारी बॉडी में जाकर एक वैक्सीन का काम करता है। ऐसी वैक्सीन को कहा जाता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। अब आप सोच रहे होंगे इसको वायरल वेक्टर वैक्सीन क्यों कहा जाता है। आपको बता दें, वेक्टर शब्द आपने मच्छरों के इर्द गिर्द घूमता देखा होगा। डेंगू और मलेरिया में यही मच्छर एक वायरल वेक्टर का काम करते हैं, क्योंकि ये मच्छर इन डिजीजेस को कैरी करके हमें इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक वैसे ही जो चिंपैंजी वायरस हमारी बॉडी में आकर कर रहा है। और आपको बता दें, ये चिंपैंजी वायरस के साथ SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड डालकर ये हमारी बॉडी में एक वैक्सीन का काम करता है और हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में काम आता है। रूस की स्पुटनिक भी एक वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें चिंपैंजी वायरस की जगह इंसानों का ही एडिनो वायरस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सामान्य सर्दी का कारण भी बनता है। इसीलिए कई बार वैक्सीन लेने के बाद हल्का सा कोल्ड या फिर फीवर हो जाता है। एडिनो वायरस कुछ COVID-19 टीकों में उपयोग किए जाने वाले वायरल वैक्टर में से एक है। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी की, जिसमें mRNA वैक्सीन आती है, जैसे कि फाइजर वैक्सीन और मोडर्ना वैक्सीन भी इसी के अंदर आती है। SARS-CoV-2 वायरस में एक चीज होती है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। स्पाइक प्रोटीन से mRNA को लिया जाता है, जिससे बनती है हमारी वैक्सीन। आपको एक जरूरी पॉइंट भी बता दें, वैसे तो कुछ लोग जानते होंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में DNA होता है, वैसे ही वायरस में होता है mRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। mRNA से ही हमारी COVID-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो ये थी अब तक की हमारी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन। हमने आपको अच्छे से इनके बारे में बता दिया है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप इस वैक्सीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान पाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनको भी वैक्सीन को लेकर डाउट्स हैं, उनको क्लियर हो जाए। आपको ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें BFN न्यूज़ के साथ। थैंक यू।